और क्या करवानी कह रहे सर आप? एक इसमें इन, ये अभी इसमें अच्छा नॉर्मल स्टीरियो है। ओके इसमें एक स्क्रीन 7 इंच का अच्छा डिस्प्ले लगवाना चाहता हूँ। अच्छा जो मतलब वैसा आता है विद बैक कैमरा। विद बैक कैमरा अच्छा, तो ये सब इसमें करवाना चाहते हो? ये 2-3 चीजें मैं इसमें कराना चाहता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सतुजा भारद्वाज, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ओनरशिप रिव्यू मारुति सुजुकी सियाज। तो भाई आज हम इसके ओनर से बात करेंगे एंड ऑल द एक्सपेंसेस ही हैज डन ऑन द कार एंड जो इनका आफ्टर सेल्स रिव्यू रहा है मारुति सुजुकी के साथ, आज सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो उस वीडियो को एंड तक देखें, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आपको कार का वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। This is how the car looks. This side profile, and that's how it's look from the back side. तो भाई कार के ओनर से थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। हेलो सर, व्हाट्स योर नेम सर? हाय, माय नेम इज दिनेश कुमार। ओके, आई एम सिविल इंजीनियर। अच्छा तो सर बात करते हैं कि कार आपने कितने में ली थी? कार ली थी मैंने ये 10 लाख के अराउंड पड़ी थी। 10 लाख के अराउंड। कौन सा मॉडल है ये? ये है डेल्टा। डेल्टा, और कौन सी ईयर का? ये 2018 का है। अच्छा कौन से महीने में ली होगी आपने? ये ली मैंने मई में सर। अच्छा तो मई में ली आपने कार। तो अगस्त में तो उसका फेसलिफ्ट आ गया था, तो आपको बात खली नहीं कि अगर 2 महीने और रुक जाता तो और ज़्यादा फीचर्स मिल जाते मुझे कार में? हाँ मिल सकते थे, बट उन्होंने मेरे को बताया नहीं कुछ भी ऐसा। अच्छा कि फेस लिफ्ट आ रहा है। हाँ ये कंपनी बस कहा कि चल रहा है, बहुत अच्छा गाड़ी है। अच्छा ये सब कुछ क्योंकि जो उसका फेस लिफ्ट आया था वो हाइब्रिड आया था, तो उसमें मोर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। तो फिर अब तक इसका ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करिए अपना कि कहाँ कहाँ तक इसको आप लेके गए हैं। मैं इसको 300 किलोमीटर तक लेके गया हूँ उसको। अच्छा हाँ, तो इसका ड्राइव बहुत अच्छा है। ओके रिलैक्स है, कंफर्टेबल है बहुत। मतलब हाँ कि बैठने में कंफर्ट रहता है, मतलब थकता नहीं है बंदा। बहुत अच्छा, मतलब कितना लॉन्ग रूट पे कितना भी लंबा ले जाओ लेकिन थकेगा नहीं आदमी। अच्छा तो ये था, तो फिर क्या एवरेज निकाली उसने उसमें? इसमें कंपनी जैसे नहीं, जैसे कंपनी 20 की हाईवे मेरे अराउंड 20 के अराउंड निकाली है इसने। अच्छा नहीं वैसे 20 की क्लेम करती है कंपनी, तो 18 के अराउंड 19-20 ऐसे चलती रही है। अच्छा तो मतलब सिटी में कितना निकाल देती है? मतलब लोकल में ये 15 करीब। ओके दैट्स अ गुड माइलेज राइट नाउ वी कैन सी। तो चलिए गर्मी बहुत हो रही है, कार के अंदर चल के बात करते हैं। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं इसमें हमें, और गेट की बात करें तो यहाँ वुडन फिनिश मिलती थी हमें। ये स्पीकर मिल जाता है हमें, एक वाटर होल्डर की यहाँ स्पेस है, पावर विंडोज मिलती है, क्रोम डोर हैंडल से अंदर से स्क्वायर है। ये ट्विटर का प्लेसमेंट इसकी यहाँ पर दे रखी है। अंदर बैठते हैं कार के। कार का डैशबोर्ड में कुछ ऐसा मिल जाता है, यू कैन सी टैकोमीटर 8000 तक आरपीएम दिखा रहा है, और स्पीडोमीटर 200 तक। तो ये ऐसा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता था हमें 2018 की सियाज में। तो सर ये आपको आउटडेटेड नहीं लगता कि लाइक ये पुराना हो गया है, या फिर इसमें मतलब बटन्स थोड़े पुराने फील होते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, बेसिक चीज जो मुझे चाहिए थी वो सब है इसमें। अच्छा जैसे मतलब एंड्रॉइड ऑटो प्ले और कारप्ले ऐसे फीचर्स में नहीं आते, तो वो आपको खलते नहीं है कि होने चाहिए थे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो मॉडल के हिसाब से ठीक है। अच्छा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं हमें, और ये विंडोज के सारे यहाँ पर मिल जाते हैं चीज। ये इसका जो ORVM है हमारा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है बट ये नहीं। हाँ जी तो ऐसे कुछ क्रोम अराउंड मिल जाता है हमें एसीज के, और यहाँ पर डिसेंट स्पेस मिल जाता है जो अभी कवर्ड आता है थोड़ा सा। ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है हमें इसमें, ऑटोमेटिक क्या कहते हैं वाइपर्स एंड वो नहीं आते हैं हैलोजन हेडलैम्प इसमें है ना? नहीं नहीं इसमें नहीं है। अच्छा तो इसकी टॉप वेरिएंट में था क्या उस टाइम वो? टॉप में थे। अच्छा तो मतलब ये आपका टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है? हाँ ये टॉप से नीचे वाला। ओके तो अभी एवरेज जो है शो अप कर रही है कार, लेट मी शो यू, 17.8 के दिखा रही है। तो कार आपने 34,340 किलोमीटर चला दी है, तो आपका आफ्टर सेल्स रिव्यू कैसा है मतलब कंपनी के साथ की, मतलब हाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? हाँ कंपनी ठीक है। मतलब ऐसे सर्विस के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ लाइन में लगना पड़ता है या फिर टाइम लग जाता है? तो अभी मारुति ने तो इतना अच्छा सर्विस दे रखी है कि मतलब डोर टू डोर
अच्छा अच्छा, आपको बस बुक करानी है गाड़ी, ड्राइवर आएंगे मारुति से। हाँ जी, हाँ जी। तो वो गाड़ी लेके चले जाएंगे सुबह। ओके ओके। और जब आपकी सर्विस हो जाएगी और वो वापस ड्रॉप कर देते हैं। और अच्छा। प्लस मैं इतना अच्छी सर्विस दे रखी है मारुति ने इस टाइम पे, जैसे ही आपकी गाड़ी आप बुक करोगे तो फोन पे ग्रुप बन जाएगा पूरा। अच्छा। उसमें मैनेजर वगैरह, सर्विस मैनेजर, सर्विस मैनेजर और सुपरवाइजर वगैरह, हाँ सारे 8-10 लोगों का ग्रुप होता है जिसके हैंड गाड़ी जाती रहेगी। अच्छा। और जो जो होता रहेगा सब ऑन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे सब कुछ बताते रहते हैं लोग। अच्छा। तो फिर जैसे आप जो सर्विस कॉस्ट क्या आती है गाड़ी की, सर्विस कराने जाते हैं आप, तो सर्विस कॉस्ट इसकी बेसिक जो है ऑयलिंग चेंज वगैरह और सब बेसिक, तो 10,000 अराउंड होती है। 10,000 की? 10,000। तो आपको थोड़ी महंगी लगती हुई लाइक पेट्रोल जैसा इंजन है इसका? नहीं, एक्चुअली मैं इसमें जो इंजन ऑयल होता है ना, हाँ जी हाँ जी, वो स्पीड, एक स्पीड होता है, एक नॉर्मल होता है, एक स्पीड वाला होता है। तो नॉर्मल जो होता है वो 2,000 का राउंड होता है, जो स्पीड होता है वो 3,500 रुपए का होता है। अच्छा, तो अच्छा। इसमें 3,500 डलवाता हूँ। ओके। बाकी इसके कूलेंट वगैरह है वो सब चीज इस बेस, क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा वो लग्जरी टाइप की है, तो इसमें वो चीज सब चीजें बेसिक चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज करते हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए 10,000 इसका सर्विस का अमाउंट। तो मतलब कितने ड्यूरेशन के बीच में हो जाती है आपकी सर्विस इसका? 10,000 नहीं, मतलब जैसे मंथ्स में, कितने महीने में करवा लेते हो ऐसा? महीने में तो वो चलने के ऊपर है। अच्छा, ना, अच्छा, महीने अच्छा, तो 10,000 के चलनी है तो। अच्छा, हाँ, चाहे आप उसे 2 महीने में चला लो 10,000 या फिर आप 6 महीने में चलाओ। हाँ, तो जो उसके सामने इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हमें कुछ ऐसा मिल जाता है। नीचे की तरफ हमारा ऑटो एसी है और नीचे यहाँ पर थोड़ा ऐसा स्पेस दे रखा है, लाइक इसको ओपन हो जाता है अभी, तो ये सैनिटाइजर वगैरह पड़े हमारे थोड़े। तो ये हमारा 12 वोल्ट का यहाँ पर सॉकेट दे रखा है, एक ऑक्स आउटपुट के लिए और एक यूएसबी चार्जर यहाँ पर दे रखा है। और जो हमें हैंड ब्रेक मिल जाती है उसके आगे हमें क्रोम टिप मिल जाती है और शॉर्ट गियर्स हैं जो कि ईजी ड्राइविंग के लिए काफ़ी कम्फर्टेबल रहते हैं, छोटे गियर्स। बीच में हेडरेस्ट, ये भी यूजेबल है, छोटा सा स्पेस मिल जाता है अपने कोई रिसीव रखने के लिए। और जो इसकी क्या कहते हैं सनवाइजर्स है, इस पर टिकट होल्डर मिलता है ड्राइवर साइड। और ये बीच में हमें वही अपनी वैनिटी लाइट्स हैं, ये वो है इसके माइक है यहाँ पर। और ये हमारा पैसेंजर साइड, वो वैनिटी मिरर मिल जाता है। हाँ, ये एयर बैग है। पे इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात कर दूँ जरा मैं थोड़ी, तो उसके 2 एयर बैग्स आते हैं कार में, ABS प्लस EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स जैसे फीचर्स हमें मिल जाते थे डेल्टा वेरिएंट में। तो आप सर इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कि अच्छी है क्या, मतलब एवरेज है? हाँ, एवरेज है, बढ़िया है गाड़ी है। कि मतलब जैसे मारुति की बुराई करते हैं लोग की? नहीं नहीं नहीं, तो मारुति में ये क्योंकि ये लग्जरी गाड़ी में है तो ये अच्छी है। अच्छा। रिव्यू वगैरह अच्छे हैं सियाज वगैरह, सियाज के गाड़ी के। हाँ। क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट में मारुति की यही एक गाड़ी है लग्जरी में। हाँ जी, क्योंकि लाइक अगर आप जैसे वेट करते हैं ना 2 महीने वो हाइब्रिड के लिए, तो आपको आगे LED हेडलैम्प्स मिल जाते और आगे आपको DRL मिल जाती, अंदर इंफोटेनमेंट 7 इंच का आ रहा है, तो वो आपको थोड़े फीचर मिल जाते। हाँ, वो मिल जाते, बट उस टाइम पे मेरा थोड़ा बजट। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, बजट इश्यू, चलो वो भी है। और बीच में हैजार्ड स्विच मिल जाता है ये हमारे यहाँ पे। और पीछे की सीट की कंफर्ट की बात करें तो अभी जाके दिखाता हूँ आपके इक्विपमेंट बता। तो पीछे हमारा कुछ ऐसा स्पेस मिल जाता है, काफी ज्यादा स्पेस मिलता है पीछे की तरफ, क्योंकि ये सबसे कंफर्टेबल सेडान इन स्पेस के मामले में। तो पीछे में रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं जो कि कंपार्टमेंट इसका लंबा है तो कूलिंग में इजी होगी। पीछे स्पीकर्स मिल जाते हैं, पावर विंडोज, और ये नीचे थोड़ा छोटा सा हम पे, बट इट्स ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सच। और एक नीचे 12 वोल्ट का चार्जर मिलता है हमें, ये रहा। और ये भी इधर भी ऐसा ही है, एक बॉटल होल्डर, ये अपना विंडो अपन नीचे करने के लिए। और क्रोम मिल जाता है, पूरी जो वुडन फिनिश है वो यहाँ तक कंटिन्यू होती है कार में। वैसे तो फैब्रिक सीट्स आती हैं तो सर ने कवर चढ़वा रखा है इस पर भी। लेट मी शो यू द रियर प्रोफाइल ऑफ द कार। कार पीछे से कुछ ऐसी दिखाई देती है हमें, पीछे इसमें हेलोजन टेल लाइट्स आती हैं, ये रही। और पीछे हमें विंडो डिफॉगर मिल जाता है, एज वी नो कि अब नेक्सा मारुति के साथ जुड़ चुका है जो कि इसे और प्रीमियम बना देता है इसको कंटेंट को, क्योंकि नेक्सा का नाम ही प्रीमियमनेस है। तो लाइक पीछे 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, क्रोम बेजल्स मिले पड़े हैं, टॉप वेरिएंट वाले भाई ने लगवा रखे हैं। और 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं पीछे हमें। लेट मी शो यू द बूट ऑफ द कार। बूट हमें कुछ 510 लीटर का बूट मिल जाता है जो काफ़ी स्पेशियस है, यू कैन सी दैट। अभी सामान लगा है, काफ़ी स्पेस बचा हुआ है अंदर हमारे। और जो इसमें
स्पेयर टायर मिलता है ना, वो भी स्टील रिम मिलता है, 15 इंच ही है अपना। यहाँ कोई ऐसा इंसुलेशन नहीं मिलता है। तो सर कभी कार में ऐसे कोई डेंट आया हो या फिर कुछ एक्सीडेंट कुछ? हाँ एक बार हुआ था इसका। अच्छा अच्छा डेंट? हाँ जी, एक वैगनर वाले ने कर दिया था, बैक साइड से मार दिया था, तो यहाँ पे आया था डेंट थोड़ा सा। अच्छा तो फिर वो इजीली चेंज हो गया था मैंने तो। अच्छा अंडर इंश्योरेंस? अंडर इंश्योरेंस में थी तो वो तो बोल भी रहे थे सही हो जाएगा, बट मैंने उसको अंडर इंश्योरेंस में ये वाला बम्पर चेंज ही करा दिया था। ये लाइट? अच्छा ये पूरा चेंज करवा दिया था आपने? लाइट और ये चेंज, दोनों ये चेंज करा दी थी। ओके बाकी ओके। बाकी इसमें 43 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है और टायर हमें ऐसे मिलते हैं विद व्हील कवर्स। इसमें अलॉय टॉप वेरिएंट्स में आते थे अल्फा में। तो ऐसी है कुछ गाड़ी की प्रोफाइल। तो सर अब कार से सेटिस्फाइड हैं या फिर कुछ कमी लगी आपको कार में? पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पॉजिटिव से, क्या पॉजिटिव है इस कार के अंदर? पॉजिटिव तो ये देखो एकदम लग्जरी कार है ये। अच्छा अच्छा, और इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चलती है। अच्छा मतलब अच्छी रनिंग है कार की? रनिंग की अच्छी है और बढ़िया है, बैठने बैठने में सब सही है। अच्छा अच्छा, आप कितना भी जा सकते हो तो कोई थकान वगैरह महसूस नहीं होती। नहीं होती? अच्छा अच्छा, तो इसकी आप कमी बता रहे हो कि कमी क्या लगी आपको कार में? तो इसमें एक्चुअली में कुछ नहीं है, बस एक ये ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो सर ऐसा लगता है जैसे कि आप जैसे उसमें 5 बंदे बैठ जाएं, उसके बाद जैसे और सीडेंस में दिक्कत आती है कि पीछे सामान डाल देते हैं तो ये जो पीछे का सस्पेंशन है ये दब जाता है, तो ऐसा कुछ हिस्सा भी होता है? कुछ नहीं है इसमें। अच्छा इसका इस शॉकर्स वगैरह इतने सॉफ्ट है इसके। अच्छा अच्छा, इसको यूज भी देखोगे ऐसे भी देखोगे तो बहुत ही इजीली शॉकर इसके बहुत ही। अच्छा तो क्या कहते हैं जैसे आप जैसे बता रहे थे कि और हरिद्वार साइड भी लेके गए हैं आप इसको, है ना? हरिद्वार गया। हाँ जी, राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे भी मैं झुंझुनू काफी लॉन्ग रन मारा राजस्थान साइड आपने 300 किलोमीटर। तो कुछ फटीक मतलब महसूस नहीं हुई कि थक गया हूँ कार चला चलाते या ऐसा कुछ? कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, मैंने इसको 180 की स्पीड पे भी चला चुका हूँ। जो आप मेरे को नीलकंठ की बता रहे थे, नीलकंठ तक भी लेके गए आप कार को? नीलकंठ भी लेके। तो सर वो तो पहाड़ी इलाका है पूरा, तो वहाँ पर गाड़ी ने कोई दबाव माना हो या फिर कुछ ऐसा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था पहाड़ों पे चलना, तो इसका बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या कहते हैं टायर ग्रिप विप सब बढ़िया थी? बहुत अच्छा एकदम। तो लाइक जैसे कितने बंदे गए थे वहाँ पे? अब इसमें 4 बंदे गए थे। 4 बंदे गए थे तो कार ने कोई मतलब ऊपर चढ़ाई पे दिक्कत नहीं हुई ऐसी? कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही अच्छे से गई। अच्छा अच्छा, अच्छे से आई। तो मतलब खुश हो आप कार से? बिल्कुल खुश। तो अच्छा, तो अगर जैसे आप वो सब देख रहे थे कि कार की मतलब, तो आपने और कौन कौन से ऑप्शन रखे थे एज कम्पेयर टू सियाज? मतलब सियाज पहले सोच रखी थी जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी तो मेरा प्लान जो बना था। हाँ जी हाँ जी, मेरी फैमिली का प्लान जो था वो था बलेनो का। अच्छा बलेनो का? मारुति। ओके नेक्सा बलेनो। अच्छा तो लेने गए तो हमने उसका प्राइस वगैरह पूछा तो हाँ जी, जो वहाँ पे सर्विस एडवाइज वो शोरूम एडवाइजर था। अच्छा अच्छा, बोला कि आप ये इतना पैसा खर्च कर रहे हो क्योंकि उसमें भी हम बीच वाला मॉडल ले रहे थे, मिडिल वाला बलेनो में, तो वो मे बी 7.5 के अराउंड था। तो उसने बोला कि सर आप ये ले रहे हो तो थोड़े से पैसा मिला के आप लग्जरी कार लीजिए। सही बात है। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया कि सर सियाज सियाज गाड़ी है। हाँ हाँ, तो वो फिर भी हैचबैक रह जाएगी, वो वाली बात है। हाँ जी हाँ जी, आपको सब मिल जाएगा इसमें, ये गाड़ी देखो। अच्छा तो ये क्रोम कंपनी से फिटेड आया था आपका? नहीं ये मैंने वहीं पे लगवाया था कंपनी। अच्छा कंपनी से अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ जंग वंग वगैरह कुछ ऐसी है ना? क्योंकि ये ओरिजिनल है ये। अच्छा अगर अच्छा, आप इनको बाहर से लगवाते तो अब तक इसमें जंग हाँ जंग आ जाता है, मैंने वही देख रहा था। वहीं से लगवाए हैं ये आपके रेन वाइजर्स लगवा रखे हैं सर ने। और जो ORVM पे हमें इंडिकेटर्स मिल जाते हैं इसके, ये रहे। तो सर मतलब आप सेटिस्फाइड हैं इस कार से? यस। ओके तो हम इस रिव्यू को यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा सर आपसे मिलके, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। तो ये सब था मारुति सियाज डेल्टा 2018 का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें ऑन माय वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।